देखिए हम इस वक्त हैं रेवाड़ी जिला सचिवालय में और आपको बताएं हमारे साथ ये तमाम जो हैं पटवारी हैं रेवाड़ी जिले के, जो पूरा संगठन आज यहाँ आया है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए। SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा है इन लोगों ने, कई सारी इन लोगों की मांगे हैं, बारी बारी एक बार सबकी सुनेगा। HR न्यूज क्या इनकी परेशानी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद जब लोग निकल के आ रहे हैं अपनी अपनी समस्या और परेशानियां लेकर के, और पटवारी एक वो सरकार का अंग है जो तमाम सारे काम, चाहे कृषि से जुड़े हो, खेती से जुड़े हो, फर्द निकालना हो, इंतकाल चढ़ाना हो, गिरदावरी करवानी हो, तमाम तो सरकार की योजनाओं को अमली जमा ये लोग पहनाते हैं, और आज इन्हीं के सामने परेशानी है। SDM महोदय को इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, ये हमारे साथ प्रधान जी हैं, एक बार सीधा इनसे जानते हैं। प्रधान जी आज मिले हो, किस बात को लेकर के आप सारे पटवारी मिले हो? जी आज पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है ग्रेड पे के बारे में। हमारा ग्रेड पे और महकमों से कम है, हमें टेक्निकल ग्रेड पे देना चाहिए। हमारे पास बहुत काम होते हैं, जवा मंदी बनाना, म्यूटेशन, कचरा गिरदावरी और सरकार के और भी योजनाओं में हम मेन कड़ी का काम करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी वर्कलोड रहता है। COVID-19 में भी हमने पूरा काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, दिन रात काम किया है, तो इसलिए हमें ग्रेड पे पंजाब के समान दिया जाए। सरकार ने, BJP सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पंजाब के समान वेतन मान देंगे, लेकिन पूरे 5 साल हो गए, दूसरी योजना में भी 1 साल पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक पेंडिंग है, कोई पंजाब के समान ग्रेड नहीं है। तो और क्या क्या आप लोगों की इसके पे ग्रेड के अलावा क्या क्या और मांगे? पे ग्रेड के अलावा हमारे पास काम की अधिकता रहती है, दो दो सर्कल होते हैं, काफ़ी पटवारी के पास दो दो सर्कल हैं, तो उसमें बहुत अधिक काम करना पड़ता है, समय कम रहता है, काम ज़्यादा रहते हैं, और हमारे प्रमोशन भी बाकी हैं पटवारी जी कानूनों के, और हमें एक एक सहायक दिया था सरकार ने कि गिरदावरी पे कि सहायक ले लो, हमने लिया, काम करवा लियो, उसकी पेमेंट भी नहीं हुई अभी तक बाकी है। तीन गिरदावरी हमने कर दी है तो उसका अभी तक कोई वेतनमान हमें नहीं दिया गया। समस्याएं बहुत सारी है पटवारियों की, जैसा अभी इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के पीरियड में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके तमाम वो काम किए जो सरकारों के निर्देश थे, सरकार के लिए लगातार काम करते हैं। अब इस वक्त आपको बता दें 1 तारीख से बाजरे की खरीद शुरू है, उसको लेकर गिरदावरी वगैरह तमाम ये लोग बारी बारी करते आए, लेकिन इनकी समस्याएं लगातार जारी है। जैसा भी इन्होंने बताया कि सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं, 6 साल का समय हो गया, इनकी किसी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या लगता है आपकी कोई मांग पर ध्यान दिया गया 6 साल में, जैसा आप लोग बता रहे हो? नहीं जी, कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी जो शिक्षा के अनुसार और 1 साल की जो हमारी ट्रेनिंग है, फील्ड ट्रेनिंग हमारे, इसके बराबर सभी का वेतनमान 4200 ग्रेड के अंदर है, जबकि हमारे को 2400 के अंदर दिया हुआ है, और हमारे पास एक हल्का के लिए एक पटवारी होता है, लेकिन हमारे को दो दो हल्के दिए हुए हैं, एक पटवारी के पास दो दो हल्के हैं, और पटवारी बहुत ही दुखी है, किसान भी दुखी है। जब किसान पटवारी के पास आता है और वो दुखी होकर जाता है तो सारे पटवारी भी दुखी होते हैं, और सारे पटवारी तो की यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए और हमारे को एक एक सहायक दिया जाए जिससे कि हम अपना काम कर सके। पटवारियों के पास बैठने के लिए भी जगह नहीं है, जगह नहीं है, और बर्डन कहना कहीं ज़्यादा है। पटवारियों के पास सहायक की मांग है कि काम आसानी से हो, और पटवारियों की जो भर्ती वो की जाए, उसमें भी पटवारियों की संख्या कम है, लगातार दो दो तीन तीन इनके पास एरिया लगातार दिए हुए हैं। क्या कहेंगे आप, लगातार आप पटवारी हैं, कितना बर्डन आपके ऊपर है? ऐसा है जी, एक पटवारी के पास, हर पटवारी के पास दो दो सर्कल है, किसी भी कोई भी पटवारी ऐसा नहीं जिसके पास एक सर्कल नहीं है, तो कम या तो सरकार नई भर्ती करे जब सब सारे पटवारियों को एक एक सर्कल मिल सके, ना तो सहायक दिया जा रहा है, ना भर्ती की जा रही है, जिससे पटवारी परेशान है। जमींदार जो आता है उसको ऑफिस पे पटवारी नहीं मिलते, क्योंकि पटवारी फील्ड में भी काम करता है, उसको वो भी ऑफिस के काम होते हैं और सरकार की योजनाओं में पूरा करने में लगा रहता है। आपको क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी, जिस तरीके से आप लोग अब उतरे हैं सड़कों पर? उम्मीद तो है ही, बार बार एसोसिएशन के माध्यम से इसके अलावा कोई और विकल्प आपके पास, आवाज उठाते रहेंगे, कोई विकल्प है कोई आपके पास? एमएलए साहब को,
संघर्ष करते रहेंगे आगे भी, संघर्ष करते रहेंगे। तो देखिए सीधा सीधा प्रधान जी ने कह दिया है जो कि एसोसिएशन बनी हुई है पटवार एसोसिएशन, तो उनके सीधे उन्होंने कह दिया कि लगातार ये संघर्ष करते रहेंगे, सरकार को कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनना पड़ेगा। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल एचआर न्यूज रेवाड़ी। Yeah.